युगराज सिंह दिल्ली लाल किले उपर श्री निशान साहब चलाउण तो बाद पुलिस दी हिट लिस्ट ते आए इस सिख नौजवान नूं हुण थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली दी एक अदालत ने इस साल गणतंत्र दिहाड़े मौके किसानां दी रोस रैली दौरान लाल किले विखे धार्मिक झंडा लहराउण वाले युगराज सिंह नूं गिरफ्तारी तो अंतरिम सुरक्षा दित्ती है। वधीक सैशन जज नीलोफर अबीदा परवीन ने युगराज सिंह नूं 20 जुलाई तक किसी जबरदस्ती कारवाई तो सुरक्षा दित्ती अते उस नूं जांच विच शामिल होण दे हुक्म दित्ते हन। जज ने अंतिम सुरक्षा इस शर्त दे अधीन दित्ती कि ओह 8 जुलाई 11 जुलाई अते 15 जुलाई नूं इस केस दी पड़ताल विच शामिल होवेगा अते जदों तफ्तीशी अधिकारी बुलाउणगे ओह हाजिर रहेगा। गिरफ्तारी दे डरों युगराज दे हिंसा नाल जुड़े दो मामलों विच अगाऊं जमानत दी मांग करदिआं दिल्ली दी 30,000 अदालत विच अपील कीती सी। ओह सुरक्षित जगह ते सीमित खेतर लाल किले दे निशान साहब सिख कौम दा धार्मिक झंडा लहराउंदा होया पाया गया सी अते उस तों बाद ओह गायब सी। युगराज सिंह नूं वीरवार नूं श्री हरमिंदर साहब विखे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अते दल खालसा ने विशेष तौर ते सन्मानित कीता अते कहा कि निशान साहब लहराउण पिछे कोई साजिश नहीं सी। उस दा कहना है कि मैं विरोध करन वालियां दा हिस्सा सी, मैं एक प्रदर्शनकारी नूं झंडा लहराउण ते चढ़न दी कोशिश करदिआं वेख्या, ओह नहीं चढ़ पा रहा सी अते मैं सोचिया मैं झंडा लहरा सकदा हां। उसने भी स्पष्ट करन दी कोशिश कीती कि ओह किसी संस्था नाल नहीं जुड़िया सी। दिल्ली दी अदालत विच उसकी गिरफ्तारी तो पहला जमानत दी अपील दा विरोध करदिआं दिल्ली पुलिस ने कहा कि लाल किला एक राष्ट्रीय विरासत स्थान है अते निशान साहब लहराउण नाल गणतंत्र दिहाड़े दे दिन लाल किले विच देश नूं नमोशी चलनी पई है। पुलिस ने कहा कि लाल किले नूं विरोध प्रदर्शन वाली जगह विच तब्दील करन दी साजिश दा मुख कार्यकर्ता सी अते वीडियो फुटेज विच झंडे समेत चढ़िया नजर आ रहा है। दोषी बिनेकार दा इल्जाम है कि ओह साइट ते मौजूद सी। उसने गणतंत्र दिवस मौके ट्रैक्टर रैली लई जाण वाले रस्ते नूं दर्शाए गए हुक्मां दी अनदेखी कीती सी। उसने पुलिस मुलाजमां दी ड्यूटी निभाउण विच रुकावट पाई सी। इह दलीलां पुलिस ने कोर्ट विच रखियां हन। युगराज सिंह लई पेश वकील ने दलील दित्ती कि ओह सिर्फ अपने किसान साथियों नाल चला गया अते उस नूं दिल्ली पुलिस द्वारा दसे रस्ते बारे पता नहीं सी। केस नूं इस तरह पेश कीता गया कि साधारण घटनावां गंभीर अते गंभीर रूप विच सामने आउंदियां हन। बिनेकार इक किसान है अते ओह सिंघू सरहद ते किसानां दे विरोध च शामिल होया सी। उसने अपने साथी किसानां दा पालन कीता अते इह प्रभावित होया कि ओह कानून अनुसार रस्ते ते चल रहे हन। इक पिंड वासी होण करके उहनां दे पिछे चलिया। ओह किसे नाल कोई जुर्म करन दी किसे अपराधिक साजिश शामिल नहीं सी अते ना ही किसी उपर कोई जानलेवा हमला कीता, इसलिए किसी भी अपराध दे कोई दोषी उस नाल नहीं जुड़ सकता है। ओ ना कोई हथियार लेके जा रहा सी अते ना ही कोई किसी किस्म दा अपराध उस द्वारा कीता गया। उस दे वकील वल्लों इह दलीलां कोर्ट विच रखियां गईयां हन, जिस तों बाद कोर्ट ने फिलहाल युगराज सिंह नूं अंतिम राहत दित्ती है। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।